फिट आज मैं आगामी 11th जेपीएससी को देखते हुए एक मेरा जेपीएससी सिलेबस पे जनरल डिस्कशन होगा और यह डिस्कशन उन एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा जो पहली बार जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम लोग 11th जेपीएससी को देखते हुए प्रीलिम्स का मेंस टारगेट करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स को पहले कवर किया जाए। और मेरे यहां एलिट आईएएस एकेडमी की टीम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आप सबों को एलिट आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम जेपीएससी के संदर्भ में आपको कंटेंट मिलता रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और मेरे एकेडमी में मेरी जो टीम है पूरी प्रतिबद्धता के साथ हिंदी और अंग्रेजी माध्यमों में दोनों मीडियम में सक्षम है आपको एक मंजिल तक पहुंचाने के। तो आज की मेरा डिस्कशन जेपीएससी सिलेबस है प्रीलिम्स कम मेंस, लेकिन टारगेट मेरा क्या है फ्रेंड, टारगेट 11th जेपीएससी। और अभी रिसेंट में झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री और झारखंड के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मैरी नीलिमा क्रिकेट्टा की मुलाकात हुई, एक शिष्टाचार भेंट हुई, क्या बातें हुई होगी, मैं इसके संबंध में एक वीडियो के माध्यम से आप सबों को सूचना अवश्य दूंगा एक दो दिन के अंदर। तो आज का मेरा जो डिस्कशन है फ्रेंड, प्री कम मेंस सिलेबस, कौन से टॉपिक को हमें कवर करना है जिससे प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा दोनों पैरेलल कंप्लीट होता चला जाए। तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिलेबस में पहला मेरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 4 क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, भारत का संविधान। लेकिन इस भारत का संविधान में स्पष्ट नहीं किया है कि हमें क्या पढ़नी है, लेकिन फ्रेंड आपका जो मेंस का जो सिलेबस है उसमें स्पेसिफाई कर दिया है कि किन किन टॉपिक को हमें पढ़नी है, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहले हम लोग प्रिलिमिनरी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 क्वेश्चन यहां से आने की संभावनाएं है। और दूसरा अगर हम टॉपिक की बात करें तो पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी से 2 क्वेश्चन, 2 सवाल यहां से पूछा जाता है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमें क्या पढ़नी है उसके बारे में हम एलोबरेट करेंगे कौन कौन से हमें टॉपिक कवर करना है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप एक बार एलिट आईएएस एकेडमी के चैनल के साथ आप जुड़ करके तैयारी करें और अपनी मुकाम को पक्की करें, ये मेरी वादा है। क्योंकि आप एलिट आईएएस एकेडमी का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें, वर्ष 2013 से लेकर के साल 2022 तक, तो एक रियलिटी आप महसूस करेंगे कोचिंग में कि कितने रिजल्ट हमने दिया है। और मैं अन्य की तरह मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने 5 के जगह 50 रिजल्ट दिया है फ्रेंड, जो रियलिटी है वो आप ऑर्गेनाइजेशन में आकर के क्लास करने के बाद आप महसूस करेंगे विच ऑर्गेनाइजेशन बेटर फॉर मी इन दैट प्लेस। अगर आप रांची के इर्द गिर्द से हैं तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि कैसा आपको कंटेंट मिल रहा है, किस प्रकार की तैयारियां हो रही है।
तो दूसरा में हमने कहा पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज, दो क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। तो चार और दो, छह क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। अब हम बेसिक जनरल डिस्कशन करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कौन कौन से सवाल कहां से पूछे जाएंगे, किन किन टॉपिक से, उस टॉपिक पे हम जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन से वो टॉपिक होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं बेसिक टॉपिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होगा इसमें, कौन से टॉपिक होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहला नंबर में, नंबर वन, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का विकास, या फिर कहीं कहीं मिल सकता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कहीं मिल सकता है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इवोल्यूशन भी मिल सकता है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। इसमें हम लोग जनरली चार्टर वगैरह के बारे में बात करेंगे, जब हम पढ़ाएंगे तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का स्रोत। इसमें हम लोग जनरली देखते हैं कौन कौन से देश से क्या प्रोविजन भारतीय संविधान में इंसर्ट की गई है, क्या क्या लिया गया है, कौन से देश से प्रावधान, उसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। 10 से 11 कंट्री है जिसके बारे में हम बात करेंगे। अगर कहीं से पार्लियामेंट्री सिस्टम आई है तो वह कौन से देश से आई है, प्रियम्बल की कॉन्सेप्ट आई है तो कहां से आई है, इन तमाम चीजों का हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक में। नेक्स्ट हम लोग फर्दर बात करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण के बारे में, भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या इसका प्रोसीजर रहा, इन तमाम चीजों का हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे। और चौथा, फोर्थ नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका मेंस में यहां से आपको सवाल दिखता है, और ये हमारा मेंस का पहला टॉपिक भी यहां से शुरू होता है, प्रियम्बल। और मैंने प्रियम्बल के संबंध में चार वीडियो बनाया है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर। ये आप चारों लेक्चर को देखें, आप महसूस करेंगे जितने भी आपने प्रियम्बल से संबंधित लेक्चर देखा होगा, यहां पे आपको जरूर कहीं ना कहीं अलग सबसे मिलेगा। मैं प्रियम्बल के टॉपिक में ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करती है, इससे आप एनालाइज कर सकते हैं किसी भी टीचर को कि उनकी क्षमता क्या होगी। तो खैर आगे की हम बात करें, तो प्रियम्बल हम लोग टॉपिक देखेंगे। पांचवा नंबर में हम लोग बात करेंगे एनआरसी, CAA, देन हम लोग बात करेंगे फिर सिटीजनशिप का, नागरिकता के संबंध में। एनआरसी की कॉन्सेप्ट कहां से आई, एनआरसी इस देश में क्यों जरूरत हुई, एनआरसी पहली बार कहां पे यूज किया गया, एनआरसी आज हमारे देश में नहीं है, केवल एक जगह है। 1951 के बारे में जब चर्चा करेंगे सेंसस का, तो उसके साथ इंक्लूड कर देंगे असम का, हम चर्चा कर लेंगे विशेष रूप से यहां नागरिकता में। देन हम बात करेंगे फिर फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए फ्रेंड, जेपीएससी का सिलेबस तैयार करने वाले महानुभव, व्याख्यात वैसे व्यक्ति, समझ से परे है, और जेपीएससी का सिलेबस के संबंध में मैंने एक से डेढ़ साल पहले ही कहा था, एक साल पहले, कि जेपीएससी का सिलेबस एक ऐसा अनूठा सिलेबस है जो पूरे भारत के किसी भी पीसीएस ने ऐसा सिलेबस को नहीं रखा है। इवन यूपीएससी भी हमने कहा था कि यूपीएससी की भी सिलेबस इतनी डाइवर्सिफाइड नहीं है, इतना ज्यादा डाइवर्स हमारा सिलेबस है, सोचिए। लेकिन फिर भी अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी पीसीएस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं।
मैंने महसूस किया है, मैंने भी एग्जाम दी है, तो मैं आगे बात करूं डीपीएसपी। अब हम लोग फिर बात करेंगे डीपीएसपी, जनरली फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी को एक साथ में रखना चाहिए। खैर कोई नहीं, हमारा सिलेबस में आप मेंस पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात किया है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति के निदेशक तत्व या सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे विशेष रूप से। और उसके बाद में फिर हम लोग इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बात करेंगे, इमरजेंसी पावर, इसमें हम बात करेंगे सेंट्रल का यानी केंद्र और राज्य दोनों का हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग आते हैं नौवां टॉपिक पे, हम लोग देखेंगे सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप, केंद्र और राज्य का संबंध के बारे में बात करेंगे। इसी में सातवें अनुसूची वगैरह के बारे में भी हम चर्चा विशेष रूप से करेंगे। तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, उसके बाद हम लोग फर्दर आगे क्या चर्चा करेंगे, कैग के बारे में बात करेंगे, कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद में हम लोग निर्वाचन आयोग के बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन के बारे में, फिर हम लोग फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करेंगे, और 13 नंबर में हम लोग क्या चर्चा करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप के बारे में फिर हम लोग बात कर लेंगे। 14 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एससी एंड एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान के बारे में हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे समझेंगे। ये सारा हमारा मेंस का एक टॉपिक है फ्रेंड, और इसको हम लोग पीटी कम मेंस दोनों को एक साथ कंपैरेटिवली हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आप पीटी कम मेंस अगर आप पढ़ाई करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको मेंस में परेशानियां हो। परेशानियां तब होगी जब आप केवल प्रीलिम्स की पढ़ाई करते हैं, आपने अगर प्रिलिमिनरी एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया तो प्रिलिमिनरी एक आपका गेट पास है, तो आपने तो केवल गेट का फाटक पास किया है, तोड़ा है। मेन जो आपका फाटक होगा वो मेंस का होगा, मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा के लिए आपका लेखन अभ्यास अनिवार्य है। अगर आपकी लेखन प्रक्रिया बहुत ही अच्छी है तो आप मेंस में आसानी से आ सकते हैं। मैंने बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स को देखा है, चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे जेपीएससी की बात करें, या अन्य अदर पीसीएस की बात करें, वो पढ़ने में एवरेज हैं, लेकिन उनकी लेखन शैली इतनी अच्छी है कि उनका 60% लेखन शैली से मुख्य परीक्षा आसानी से वो क्लियर कर लेते हैं। तो आपकी लेखन अभ्यास अनिवार्य है, तभी आप मेंस परीक्षा में आ सकते हैं। 60% ऑलमोस्ट आप मान के चलिए, अगर आप पीटी कम मेंस पढ़ाई करते हैं, लेखन प्रक्रिया अगर आपकी जारी रहता है तो 60% आपका मेंस का काम हो जाएगा। केवल 8 से आपका आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्ट ऑफ राइटिंग से आपका 60% काम पूर्ण हो जाएगा। फर्दर हम लोग आगे बात करते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट, यानी हम लोग यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन से टॉपिक मेंस में कम पीटी, पीटी कम मेंस में क्या क्या हम लोग कवर करेंगे। जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव में यानी संघीय कार्यपालिका में क्या क्या हम लोग बात करेंगे, प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी केंद्रीय मंत्री परिषद, और प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये हम लोग पढ़ेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव में। दूसरा नंबर में क्या हम लोग पढ़ेंगे,
पार्लियामेंट पढ़ेंगे, संसद और संसद का कंपोजिशन एंड फंक्शन, उसकी संरचना और उसका कार्य हम लोग पढ़ेंगे, उसका क्या क्या फंक्शन वर्क है। साथ ही साथ पार्लियामेंट्री कमिटी के भी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इस पार्लियामेंट कंपोजिशन और फंक्शन के साथ साथ। आगे हम लोग तीसरा नंबर में क्या बात करेंगे, यूनियन जुडिशियरी, यानी हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसमें हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे, यूनियन जुडिशियरी में कंपोजिशन एंड जुडिक्शन, कंपोजिशन एंड जुडिक्शन के अलावा हम लोग एक बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, ये भी हमारा मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्दर यूनियन गवर्नमेंट के बाद में हम लोग क्या चर्चा करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार में हम लोग किन किन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे उसे हम लोग देखते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव में यानी राज्य की कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हम लोग गवर्नर के बारे में बात करेंगे, गवर्नर राज्यपाल, फिर क्या बात करेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग क्या बात करेंगे, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी राज्य मंत्री परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये आपका हो गया स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब आता है स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में हम लोग क्या चर्चा करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर में जनरली हम लोग देखेंगे कंपोजिशन एंड फंक्शन, कार्य देखेंगे, वर्क कार्य संरचना, इन सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर में, राज्य विधान मंडल में भी हम लोग पूछें इसमें चर्चा कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर में स्टेट जुडिशियरी, स्टेट जुडिशियरी में हम लोग देखेंगे हाईकोर्ट और कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट, इन तमाम हम लोग टॉपिक पे एक जनरल हमारा डिस्कशन आज का था और इसे हम लोग पीटी कमेंस में हम लोग टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड बहुत ही जल्द आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मेरे यहाँ की टीम पूरी प्रतिबद्धता के साथ में आपको एलिट आईएएस एकेडमी चैनल के माध्यम से क्लास देंगे। तो आज का मेरा जो एक मेन जनरल डिस्कशन था सिलेबस पे, आपने पूरा सिलेबस को देख लिया, अब हम लोग किसी इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे सिलेबस के अनुरूप प्रीलिम्स का मेंस। तो आज के लिए मेरा इस सिलेबस का जो टॉपिक था आज अंत होता है यहीं पे, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।